हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंत बेसवानी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल एवीएस टेक अनंत बेसवानी में। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं आपके लिए यहाँ पे मनी मेकिंग टिप्स और ट्रिक्स लेके आता हूँ। आज भी कुछ आपके लिए एक ऐसे ही वेबसाइट लेके आया हूँ जहाँ पे आप एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सिंपल सा काम है, फ्री वेबसाइट है, फ्री इमेजेस आपको अपलोड करनी है और आप एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको ए टू जेड बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट है, कितनी अर्निंग आप कर सकते हैं, कैसे अप्रूवल लेना है, वो सारी चीजें मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको करना सिर्फ एक काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, दैट्स इट। तो अभी चलते हैं हम वेबसाइट पे और सारी चीजें हम डिटेल में देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं एक वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम है PNG ट्री। ये कहा जाए तो मोस्टली जो फेमस है वो है PNG इमेजेस। PNG इमेजेस आपके लिए पता होगा कि जिन इमेजेस में भी बैकग्राउंड नहीं होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इमेजेस दिखाई दे रहे हैं इनमें कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, तो ये जो भी इमेजेस होती हैं ये अगर आप बनाते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अब यहाँ पे आप किस किस टाइप की इमेजेस डाल सकते हो वो सारी चीजें भी मैं बात करूंगा और साथ ही कौन सी इमेजेस को आप डालोगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या ज्यादा अच्छी अर्निंग आप कर सकोगे, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी चूंकि 2022 शुरू होने वाला है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे कैलेंडर्स भी आए हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर और यहाँ पे 2022 और इसी टाइप के, जैसे अभी क्रिसमस भी आने वाला है तो क्रिसमस की इमेजेस। एक तो चीज है कि आप ओकेशनली चीजें करेंगे तो भी आप अच्छी ग्रोथ करेंगे और इसके अलावा दूसरी जो चीज रहेगी कि आप जो एवरग्रीन चीजें होती हैं उन पे आप कंसंट्रेट करेंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है कि सिंपल सी आपको इमेजेस अपलोड करनी है। इमेजेस आपको कैसे अपलोड करनी है और आपको करना क्या है एक्चुअली में, और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ PNG इमेजेस ही यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो जो सिंपल इमेजेस होती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इमेज दिखाई दे रही, ये इमेज, ये मतलब कहा जाए तो ये एक प्रकार से कहा जाए तो बैकग्राउंड टाइप से है और बाकी जो सिंपल इमेजेस होती हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी हैं। तो जैसे PNG इमेजेस हो गए, बैकग्राउंड हो गए, टेम्पलेट्स हो गए, पावर पॉइंट हो गए, टेक्स्ट इफेक्ट हो गए, इलस्ट्रेशंस हो गए, कलेक्शंस हो गए, तो इस टाइप से ये कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप पूरी कैटेगरीज देख लेना किस किस कैटेगरी में आप कर सकते हैं। मान लीजिए बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड भी किस किस टाइप के रहा करते हैं वो आप यहाँ पे देख लेना। इसके बाद PNG इमेजेस है तो PNG इमेजेस में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने टाइप के हैं यहाँ पे कि मान लीजिए एनिमल्स की है, बर्ड्स की है, क्रिसमस है या जो भी फिलहाल चल रहा है, मान लीजिए दीपावली है, तो यहाँ पे वो सारे आपके लिए मिलेंगे। अभी जो जो ओकेशन नए नए आने वाले होंगे उन सभी के आपको यहाँ पे मिलेंगे। और कहा जाए तो जैसे COVID-19 है तो ये आजकल एवरग्रीन हो गया, या इसके अलावा एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, तो ये सारी चीजें एवरग्रीन में ही आती है। तो आप इस टाइप की चीजें, सिंपल सी चीजें अपलोड करके अर्निंग कर सकते हैं। अब आपको अर्निंग शुरू कैसे करना है तो आपको पेज के सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे आता है कंट्रीब्यूटर प्रोजेक्ट। सिंपल से जब हम इस पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं आप आएंगे इस पेज पे, ज्वाइन PNG ट्री एक्सक्लूसिव डिजाइन टीम। यहाँ पे सिंपल सा आपको इनकी जो डिजाइन टीम है उसको आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए कुछ ऐसा खास इनकी कंडीशन नहीं है, वो कंडीशन भी क्या है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखा जाए कि आपको अर्निंग कितनी हो सकती है तो अर्निंग आप यहाँ पे देख सकते हैं लार्ज अर्निंग लिखा है, $50 होगी आपको जब भी आपके 1000 डाउनलोड हो जाएंगे। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपके 500 डाउनलोड हुए तो आपको उसका एक भी रुपया नहीं मिलेगा, जो भी डाउनलोड होगा उसके हिसाब से आपका मान लीजिए सेंट्स में कुछ रहे वो आपको पर डाउनलोड का मिलेगा, लेकिन एक एवरेज यहां पे है 1000 टाइम्स अगर आपका एक प्रोडक्ट डाउनलोड होता है तो $50 आपके लिए मिल जाएंगे। ये भी आपका प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि सभी के सेम प्राइस है। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं प्रीमियम कंटेंट है तो आप यहां पे देख सकते हैं इससे ज्यादा भी आपके लिए मिल सकता है। ये जो एक साइट है ये साइट बहुत ही मोस्ट पॉपुलर है, इसका अगर हम ट्रैफिक चेक करते हैं तो यहां पे हम आ गए हैं मेन साइट में। मेन साइट का हम ट्रैफिक
कि एक बार चेक कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं 16.2 मिलियन विजिट्स यहाँ पे पर मंथ होते हैं। तो अगर एक महीने में 16 मिलियन लोग आ रहे हैं और आप कुछ ऐसी चीजें अपलोड कर रहे हैं जो कि ओकेशनली आ रही हैं और नई नई चीजें आती जाएंगी, यहाँ पे सीधा साधा एक फंडा यहाँ पे चलता है। वो फंडा है कि जितनी ज्यादा आप अपलोड करोगे उतनी ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। कुछ लोग पूछते हैं कि कितनी अर्निंग हम यहाँ से कर सकते हैं, तो जितनी आप चाहो उतनी आप कर सकते हो। अगर आप एक इमेज अपलोड करके बैठ जाओगे तो आपको मुश्किल से $100 भी हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन अगर आप 100, 200, 500, 1000 इमेज करोगे तो आप लाखों में भी कमा सकते हो। तो डिपेंड करता है जितनी ज्यादा मेहनत आप करोगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ज्यादा अपलोड करने के लिए आपको कुछ पैसे देना है। सिंपल सा जो इनका प्रोसेस है वो प्रोसेस अकेला आप फॉलो कर लेते हो, आपकी इमेजेस अप्रूव हो जाती है और अप्रूव भी आपकी बड़ी आसानी से हो जाती है। यहाँ पे सिंपल सी वो इमेजेस डालनी है जो आपकी खुद है। मान लीजिए आपने 4 इमेजेस ली, कहा जाए तो 2 PNG थी, कुछ बैकग्राउंड था, उन सभी को मिला के आपने एक इमेज बना दी तो वो आपकी इमेज हो गई। तो इसी टाइप से कुछ इमेजेस आप बना सकते हैं और उससे ही आप अर्निंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको रजिस्टर का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऊपर भी ज्वाइन अस का बटन दिखाई दे रहा है। सिंपल सा आप यहाँ पे एक अकाउंट बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा दिया करता हूँ कि किस टाइप से आप अकाउंट बना सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा आपको यूजर नेम डालना है, ईमेल और पासवर्ड, ये 3 चीजें डालना है, आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा, वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना अकाउंट वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई होने के बाद आपको कुछ इस टाइप का लेआउट दिखाई देगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक इमेज अपलोड करनी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सुबह सुबह सोके उठा था मैं और ये मैंने एक इमेज अपलोड की थी। मतलब इसमें क्या है कि आपको कोई ना कोई एक आईडी प्रूफ यहाँ पे देना पड़ेगा और वो आईडी प्रूफ आप जैसे ही दे दिया करते हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना पैन कार्ड यहाँ पे दिया हुआ था और यहाँ पे जैसे ही आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस टाइप का एक मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर कंट्रीब्यूशन आइडेंटिटी हैज बीन वेरीफाइड। तो सिंपल सा आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा लेना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको इमेजेस को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। कुछ चीजों का जो आपको ध्यान रखना है कि क्या इनके टेम्पलेट हो सकते हैं, थंबनेल साइज वगैरह क्या है, वो सारी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि आपकी जो इमेजेस अप्रूव नहीं होती है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है कि जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस बोली हुई थी वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप नहीं मानते हो। जैसे थंबनेल साइज है तो थंबनेल साइज क्या होनी चाहिए, जैसे बैकग्राउंड आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या साइजेस होनी चाहिए, वो आपको एक स्पेशल याद रखना है कि यही साइज होनी चाहिए। अब आप ऐसा कर सकते हो कि 1920x1080 आप अपलोड कर दो, तो सिंपल सा जो यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से एक भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में ही आपको बनाना है। इसके बाद जो कलर मोड है वो आप यहाँ पे देख लेना कि क्या कलर मोड है और कौन सा रेजोल्यूशन है, कौन सी साइजेस है, वो आप यहाँ पे देख लेना कि साइजेस वगैरह कितनी होनी चाहिए, इन चीजों को फॉलो कीजिए। एक और जो चीज है कि आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप कहीं से भी इमेज को उठाओ और आप अपलोड कर दो, तो मैं आपके लिए बोलूंगा कि उससे आप अपना अकाउंट खराब करोगे। अगर आपको वो इमेज अपलोड भी करनी है तो एटलीस्ट उसके कलर वगैरह चेंज कर दो, देन आप अपलोड करके चेक कर सकते हो। लेकिन मैं आपके लिए यही रिकमेंड करूंगा कि आप PNG इमेजेस को अपलोड करने के बजाय जो यहाँ पे बाकी इमेजेस होती हैं उनको अपलोड कीजिए। जैसे आपको यहाँ पे बाकी इमेजेस जो होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इमेजेस आपको दिखाई दे रही हैं सिंपल सी इमेजेस हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इमेजेस हैं ये कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं ये बहुत सारे, कहा जाए तो ये जो बॉक्सेस हैं, फिर यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, ये जो भी बॉक्सेस हैं ये एक कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप इस टाइप के कॉम्बिनेशंस बना के डाल सकते हो, या सिंपल से कहा जाए यहाँ पे आपने देखा था सिंपल से फ्रेम्स हैं, मान लीजिए ये जो हैं ये फ्रेम्स वगैरह हैं, या कहा जाए तो इस टाइप के कैलेंडर्स आप बना के डाल सकते हैं। ये कैलेंडर किस काम में आते हैं कि इसके बैकग्राउंड में इंसान अपना कुछ भी डाल सकता है। मान लीजिए यहाँ पे और कैलेंडर आप देख सकते हैं कि ये जो कैलेंडर है इस कैलेंडर के बैकग्राउंड में कोई बंदा अपना एडवर्टाइजमेंट वगैरह लगा के और लोगों के साथ शेयर कर सकता है, या उसको कहा जाए तो प्रिंट करवा सकता है। तो ये जो कैलेंडर्स होते हैं ये उस काम में आते हैं। यहाँ पे आप बाकी भी कैलेंडर्स देखेंगे तो उनमें भी यही रहा करता है, उसमें
वो अपनी चीजें लगा सके, उसके लिए आपको ये सारी चीजें बनाना है। अब यहाँ पे जो एक टूल का आप यूज कर सकते हो वो है कैनवा। आपको कैनवा में जाना है और कोई भी इमेज बनाने से पहले आपको उसकी साइजेस का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। आप या तो एक काम कर सकते हो, किसी भी इमेज के अंदर जाके उसकी साइजेस वगैरह देख सकते हो, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जो आपके लिए अपलोड करने के टाइम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी साइजेस दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मान लीजिए 1200x1200 अपन को पिक्सल चाहिए है, तो सिंपल सा आपको कैनवा में जाना है। यहाँ पे जो क्रिएटर डिजाइन है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कस्टम साइज। कस्टम साइज में आपको यहाँ पे लिख देना है 1200x1200, ठीक है, जो भी आपकी साइज है। तो मान लीजिए यहाँ पे 1200x1200, अब आपको ये वाली साइज यहाँ पे क्रिएट करनी है। अब आपको यहाँ पे जो भी चीज क्रिएट करना है उसके हिसाब से आप कंटेंट देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको सिंपल सा यही बनाना है, या फिर आपको जो ये आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप चाहें तो इस टाइप का भी बना सकते हैं कि सिंपल सा कैलेंडर आप बना दीजिए। सिंपल सा कैलेंडर है और उसको PNG फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए और वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब ये कैलेंडर बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। यहाँ पे आपको मान लीजिए ये जो बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस कितने होते हैं, 12, चूंकि 12 महीने होते हैं तो 12 बॉक्सेस होते हैं। उसके हिसाब से आपको ये डेट वगैरह थोड़ी सी अरेंज करनी पड़ेगी और यहाँ पे आप पूरा ये चेक कर लेना कि किस टाइप का कैलेंडर है। अभी कहा जाए तो कुछ ही दिन में ये चीज सेल होगी, तो अगर आप सिंपल सा अभी के लिए करना चाहते हैं तो आप ये कैलेंडर भी कर सकते हैं। और अगर आप ऑल टाइम चीजें देख रहे हैं तो ऑल टाइम के लिए आप यहाँ पे कंटेंट सर्च कर सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा चल रही है। और इसके साथ ही आपको ये अगर जानना है कि आज के टाइम में ज्यादातर चीजें क्या चल रही हैं, आपका जो ये डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड आपकी सारी चीजों में हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे अभी तो चूंकि हम अपलोड वाले पेज पे हैं, यहाँ पे आप अगर होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पे एक और चीज मैं पहले बता दिया करता हूँ, जैसे यहाँ पे PNG अपलोड कर रहे हैं तो ये जो साइजेस हैं ये PNG के लिए हैं। इसके अलावा अगर आप टेम्पलेट अपलोड कर रहे हैं तो टेम्पलेट्स के लिए अलग साइजेस दिए हैं। फिर आप यहाँ पे बैकग्राउंड अगर अपलोड कर रहे हैं तो आप देख लीजिए बैकग्राउंड के लिए कुछ अलग साइजेस हो सकती हैं। फिर यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भी कुछ अलग साइजेस हो सकती हैं। तो ये सारी साइजेस का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ साइज के चक्कर में ही आपकी इमेज जो है रिजेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम कि कौन से टॉपिक्स पे आप बनाएं, तो यहाँ पे टॉपिक्स पे बनाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे खुद यहाँ पे दिया करते हैं कि आजकल पॉपुलर सर्चेस क्या हो रही हैं। वो पॉपुलर सर्चेस ये हमको खुद यहाँ पे बता दिया करते हैं। अब यहाँ पे जैसे अभी कुछ प्रेसिडेंट डे वगैरह चल रहा होगा, आउट ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट डे चल रहा होगा, फिर यहाँ पे कश्मीर डे है, अभी तकरीबन फरवरी में यहाँ पे वैलेंटाइन डे आ गया होगा, तो वैलेंटाइन डे के लिए ऑब्वियसली बात है लोग थोड़ा सा पहले से इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए दीपावली आ रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि दीपावली के दो दिन पहले लोग वाग उसको सर्च करेंगे। जिनको दीपावली के लिए तैयारी करना है तो वो तकरीबन उसके एक दो महीने पहले करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे जैसे वैलेंटाइन डे तकरीबन 14 फरवरी को आता है, तो उसकी इन्होंने अभी से तैयारी कर दी कि आपकी इमेजेस वैलेंटाइन डे की अभी से आना शुरू हो जाए, कि जिनको उस पे काम करना है, जो इमेज परचेस करके उस पे काम करना चाहते हैं, वो सारी चीजें कर सकें। तो यहाँ पे जो पॉपुलर सर्चेस हैं वो आपको दिखाई देती रहेंगी कि अभी पॉपुलर सर्चेस क्या हो रही हैं। तो आप चाहें तो इन सभी निचेस पे काम कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मकर संक्रांति दिखाई दे रही है, और इसके अलावा आप मोर पे करेंगे तो बाकी सारी चीजें भी आपको दिखाई दे जाएंगी। फिर आपको यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या चीज सेल कर रहे हैं तो वो चीजें भी यहाँ पे दिखाई देंगे। आप यहाँ पे हॉल ऑफ फेम देखेंगे तो यहाँ पे जो लोग ज्यादातर चीजें सेल कर रहे हैं वो आप उनकी भी क्रिएटिविटी देख सकते हैं। जैसे ये जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो इन्होंने कितना काम किया है, कितने इनके डाउनलोड हुए हैं, कितने फॉलोवर्स हो गए हैं, तो ये सारी चीजें भी आप इनके काम भी देख सकते हैं कि इनका काम वगैरह कैसा है और ये क्या चीजें अपलोड कर रहे हैं। और वही चीजें अगर आप करोगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो चीजें अपलोड कर रहे हैं ये मोस्टली वेबसाइट वगैरह में, और कहा जाए तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा यूज होती हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये वो चीजें क्रिएट कर रहा है जो कि ज्यादातर आपको पता है आजकल ज्यादातर लोग नई नई वेबसाइट बना रहे हैं, नई नई एप्स बना रहे हैं, तो उसमें ये जो वेक्टर वगैरह है ये सारी चीजें उसमें यूज होती हैं। तो अगर उसके लिए इसने कंटेंट बनाया है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ज्यादातर चीजें ऑनलाइन चल रही हैं, तो अगर उसने उस चीज के लिए यहाँ पे बनाया है, और तकरीबन आप यहाँ पे देख सकते हैं 35,000 करीब उसने अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे टोटल वर्क देखेंगे आप तो 47.4K है, मतलब ऑलमोस्ट 50,000, आप समझ लो कि 50,000 उसने टेम्पलेट अपलोड
कंट्रीब्यूट कर दिए तो आप ये समझ लो कि वो एक बहुत मोटी इनकम कर रहा होगा। और कहा जाए पीएनजी ट्री जो है उसमें नंबर वन पे जो अर्निंग कर रहा है वो यही बंदा है। तो अर्निंग ऑब्वियसली बात है अच्छी खासी होगी। आप ये जो यहाँ पे डाउनलोड दिखाई दे रहे हैं इसमें मिनिमम आप इनटू 50 करके देख लेना, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके टेम्पलेट थोड़े से और ज्यादा कॉस्टली सेल हो रहे हो। कंटेंट कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मैंने आपके लिए बता दिया कि हॉट थीम्स वगैरह आप यहाँ पे देख लेना कि आज के टाइम में थीम्स क्या चल रही हैं। और जिन चीजों में आपको ये चीजें तो आप देख रहे हो वो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा आप अपना अगर दिमाग लगा सकते हो कि अभी से एक महीने बाद क्या आने वाला, दो महीने बाद क्या आने वाला, या एवर ग्रीन कौन सी चीजें चल सकती हैं, तो वो चीजें मान लीजिए टी शर्ट डिजाइन हो गई, इस टाइप की चीजों पे अगर आप काम करोगे तो ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छी अर्निंग कर लोगे। अब टी शर्ट डिजाइनिंग के लिए आपको पता है कि टी शर्ट डिजाइनिंग यहाँ पे हम सिंपल सा यहाँ पे सर्च कर लिया करते हैं टी शर्ट डिजाइन। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने टाइप की टी शर्ट डिजाइन आ गई, ये जो दिखाई दे रही है ऑब्वियसली बात है ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी से मिलती जुलती चीजें आपको क्रिएट करना है। अब यहाँ पे लिखा है ऑल यू नीड इज लव, आपको जो टैग यूज करना है वो यही चीज रहेगा। अब आप चाहो तो ये जो यहाँ पे प्रीबिल्ट टेक्स्ट होते हैं आप वो चीजें भी यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हैं इतने टाइप के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये जो है ये कहा जाए तो अच्छा खासा कॉम्बिनेशन, इसके लिए मानता हूं मैं कि ये जो है एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। और इनको अगर आप यूज करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि आप ये वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे सेल वाला दिखाई दे रहा है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर जो ये है हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अभी इसको ही ले लिया करता हूं, ये चीयर्स वाला यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया। अभी हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम ये वाली टी शर्ट, यहां पे इसको हम कॉपी कर लिया करते हैं ऑल योर नीड इज लव, ये जो कहा जाए तो वैलेंटाइन टाइप की टी शर्ट है। तो यहां पे सिंपल सा जो हमको लिखना है वो हमको कंटेंट लिखना है ऑल योर नीड इज लव, यहां से हमने इसको कॉपी कर लिया और यहां पे जाके हम इसका नाम भी यही रख दिया करते हैं। और इसके आगे आप लिखना चाहें मान लीजिए वैलेंटाइन टी शर्ट या जो भी आप लिखना चाहें फॉर कपल, इस टाइप से आप इसका नाम भी रख सकते हैं। कुछ कंटेंट ऊपर लिखना है, फिर यहाँ पे नीड लिखना है, फिर यहाँ पे लव लिखना है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये एक डिजाइन है, ऑब्वियसली बात है इनके हिसाब से ये एक अच्छी बहुत अच्छी डिजाइन हो सकती है। अब यहाँ पे आप साथ ही साथ यहाँ पे देख रहे हो सेम चीज को इतने टाइप से और यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप भी यही कर सकते हो कि आपको भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन को अच्छी तरीके से लिखना है, जितने अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो वो कंटेंट आपका बन जाएगा, दैट्स इट। तो मान लीजिए ये जो कंटेंट था इसको हम कर दिया करते हैं अनग्रुप, ये सारी चीजें हो गई अलग। अब यहाँ पे लिखना है क्या ऑल यू नीड, तो ये जो था इसको हम कर लिया करते हैं डुप्लीकेट। तो ये जो आपका कंटेंट रहेगा वो इस टाइप से आएगा, और ये जो है इसको भी हम कर लिया करते हैं फिर से डुप्लीकेट, और इसको लेके आ जाते हैं नीचे। अब जो हमारा कंटेंट रहेगा यहाँ आएगा ऑल यू, ये हो गया ऑल यू, यहाँ पे आपका आएगा कंटेंट नीड, ठीक है। अब आप चाहो इसको कैप्सुलॉक में लिखो या स्मॉल में, आपकी इच्छा है। फिर यहाँ पे इस, फिर यहाँ पे आएगा आपका लव। तो ये आपका इस टाइप से बन गया है, इन सबको थोड़ा थोड़ा सा और बड़ा कर लेना ताकि चीजें थोड़ी सी अच्छी दिखाई दें। कुल मिला के अपना सिर्फ एक ही इंटेंशन है, आपको चीजें जितनी अच्छी आप दिखा सकते हो उतना अच्छा आप बना लो। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइप से आप चीजों को बना सकते हो। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल यू, यहाँ पे आ गया नीड, देन आपका यहाँ पे आ गया इस, और नीचे आ गया आपका लव। अब आप चाहें तो इन सब चीजों को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। तो ये एक हिसाब से मतलब कहा जाए तो इतना अच्छा भी नहीं बना हुआ है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ एक बन गया है। आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा और अच्छा बना लेना। मान लीजिए कि ये जो मैंने फॉन्ट वगैरह यूज किए हैं इसकी जगह और अच्छे फॉन्ट आप यहाँ पे चेक कर लेना, यहाँ पे लाखों फॉन्ट होते हैं। तो जो भी अगर आपको कोई और अच्छे फॉन्ट मिलते हैं तो वो सारे फॉन्ट को यूज करके कुल मिला के इस टाइप की डिजाइन बनानी है। मान लीजिए आपको मैंने एक एग्जाम्पल बता दी कि ऑल यू नीड इज लव, ये चीज लिखी हुई है, यही जो चीज है आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 तरीके से और यहाँ पे बना के रखी हुई है। तो यहाँ पे आपकी इच्छा है कि एक ही चीज को आप 50 तरीके से कैसे लिख सकते हैं और वही आपकी डिजाइन बनती जाएंगे। मैं ये बोलूंगा कि सेम टू सेम कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि इस बंदे ने ऐसा लिखा है तो आप भी ऐसे ही लिखो, अपना थोड़ा सा बनाना है, क्योंकि जितनी ज्यादा यूनिक चीज होंगी उतने ज्यादा आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और उतनी ज्यादा आपकी अप्रूव होंगी। तो ये थोड़ा सा
और अच्छे तरीके से बना लेना। मान लीजिए इनके कलर वगैरह आपको चेंज करना है तो जो भी कलर वगैरह आप डालना चाहें, थोड़े से चीजें आप अपने हिसाब से बना लेना। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये तो हो गया आपका एक एग्जांपल का कि आप इस टाइप से टी शर्ट बना सकते थे। इसके अलावा आपको और कोई चीज लगती है, जैसे यहाँ पे हमने होम पे देखा प्रेसिडेंट डे करके, तो ये जो चीज है ये भी हम यहाँ पे एक बार देख लिया करते हैं कि एक्चुअली में प्रेसिडेंट डे में लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल सी चीजें हैं। मान लीजिए ये आप देख सकते हैं, एक दिखाई दे रहा है प्रेसिडेंट डे पे सिंपल सा एक यूनाइटेड स्टेट का यहाँ पे फ्लैग वगैरह है, फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट डे लिखा है। इसी टाइप से ये एक ग्रीटिंग टाइप का है। यहाँ पे कहा जाए तो ये एक पीएनजी इमेज है कि यहाँ लिखा है हैप्पी, फिर प्रेसिडेंट, फिर डे। तो ये जो है ये आप बड़ी आसानी से बना सकते, बना तो आप सब कुछ सकते हो। मान लीजिए ये अगर मैं बनाना चाहूं तो मुझे मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो मान लीजिए ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे अगर आपको कोई अच्छा सा टेम्पलेट मिल जाता है इसी टाइप का, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हैप्पी और ये दोनों है प्रेसिडेंट, थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग में लिखा है, तो आप भी चाहें तो इसी टाइप से यहाँ पे बना सकते हैं। तो अभी जैसे कि ये वाली राइटिंग थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है मुझे, मैं इसको ही सिलेक्ट कर लिया करता हूँ। ये दोनों चीजें जो हैं इनको हम थोड़ा सा अलग भी कर लिया करते हैं, तो इसको अनग्रुप कर दिया करता हूँ मैं, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो ये है इसको आप लिख दीजिए हैप्पी प्रेसिडेंट, तो ये हो गया हैप्पी प्रेसिडेंट और डे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है डे भी आएगा, तो यहाँ पे इसी को मैं फिर से एक बार कॉपी कर लिया करता हूँ और यहाँ पे आ गया हमारा डे। तो ये इस टाइप से, मान लीजिए ये तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया हुआ है। अब इसमें जो है मोस्टली में आप देखना कलर कॉम्बिनेशन का सबसे ज्यादा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है इनमें एक कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही कॉमन है। मान लीजिए ये जो है कि इसमें जो इनका फ्लैग है इस टाइप के कलर ज्यादा आने चाहिए। ये चीज आप इन सभी में देख सकते हैं, जो भी टेम्पलेट्स हैं मोस्टली में ये कलर्स का ज्यादा यूज किया गया है। जो भी यहाँ पे कहा जाए तो इनके फ्लैग का कलर है उससे रिलेटेड कलर्स होने चाहिए। तो आपको कोई भी कलर अगर फाइंड करना है तो कलर फाइंड करने के लिए एक आपको मैंने ये एक्सटेंशन भी यहाँ पे बताई थी। ये जो एक्सटेंशन है ये भी मैं आपको दिखा दिया करता हूँ, इसका नाम है कलर पिकर आईड्रॉपर। ये जो एक्सटेंशन है ये आप डाउनलोड कर लेना, कलर पिकर आईड्रॉपर। इस टाइप का लोगो भी आप देख लेना कि ये जो लोगो है कि कोई भी कलर आपको चाहिए है वो कलर ये खुद आपके लिए फाइंड करके बता देगा। जैसे यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे इस टाइप का आ जाएगा एक, अब आपको इसका कलर चाहिए सिंपल से यहाँ पे क्लिक किया और ये जो कलर है ये आपको यहां से कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपको कैनवा में जाके वो कलर कोड यहां पे पेस्ट कर देना है। ये तो एक्चुअली टेक्स्ट खुले हुए हैं, यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वो कोड पेस्ट कर देना। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो कलर यहाँ पे आ गया। तो जो कलर आपको चाहिए है वो कलर्स आपको वहां पे ध्यान देना है। तो मान लीजिए अभी मैं ये कर दिया करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से हो गया। अब आपको लगता है कि ये जो चीजें हैं इनको आपको थोड़ा सा सिंपल बनाना है, तो सिंपल के लिए आप अपने जो भी फॉन्ट लगाना चाहें वो फॉन्ट आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट लाखों हजारों टेम्पलेट है, तो यहाँ पे मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए मैं ये वाला यहाँ पे ले लिया करता हूँ, और साथ में इसकी साइज वगैरह कहा जाए, स्पेसिंग वगैरह आपको कम ज्यादा करना है वो आप अपने हिसाब से देख लेना, या फिर कहा जाए इनको पूरे कैप्सलॉक में अगर आपको लिखना है, मान लीजिए ये जो है ये पूरा आप कैप्सलॉक में भी लिख सकते हैं। तो ये जैसे हैप्पी हो गया, इसके पीछे आपको कुछ बैकग्राउंड वगैरह डालना है, तो वो सारी चीजें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और मेन चीज यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए बहुत से में यहाँ पे फ्लैग दिखाया गया है, तो फ्लैग के लिए आपको यहाँ पे एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में आपको यूनाइटेड स्टेट्स अकेला आप सर्च करोगे या फिर फ्लैग भी सर्च कर लोगे तो आपके लिए बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स मैंने सर्च किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के यहाँ पे फ्लैग दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये जो है ये बहुत शानदार दिखाई दे रहा है ना, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है दिखाई दे रहा है, मतलब कहा जाए मोस्टली जो चीजें हैं वहां पे जो बनाई गई हैं कुछ तो यहाँ से ही बनाई गई होंगी। जैसे आप ये देख सकते हैं और उसके अलावा ये देख सकते हैं, तो ये जो चीजें हैं ये सेम टू सेम वही चीज है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो सेम टू सेम वही चीज है। आप जितना ज्यादा अच्छी तरीके से इनका आप यूज कर सकते हैं आप सभी को यूज कीजिए और एक अच्छी खासी डिजाइन बनाइए। अब आपको इसके साथ में आपको स्टार्स लगाने हैं, जो भी चीजें आपको लगानी है वो सारी चीजें आप अपने हिसाब से देख लो कि किस टाइप से कितनी अच्छी डिजाइन आप बना सकते हो। जितनी अच्छी डिजाइन आप बना सकोगे उतनी अच्छी आपकी डिजाइन सेल हो सकती है। तो फंडा आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे मान लीजिए ये जो है ये अभी तो खैर इमेज नहीं बनी है, लेकिन समझ लीजिए कि ये इमेज बन गई। अब यही इमेज अगर आपको डाउनलोड करनी है
तो वो डाउनलोड करने के लिए आपको अगर इसको पीएनजी में करना है और साथ में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसको ट्रांसपेरेंट में डाउनलोड करेंगे तो ये जो इमेज है विदाउट बैकग्राउंड यहाँ पे डाउनलोड होगी। मैं आपको इसको डाउनलोड करके दिखा दिया करता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे किसी भी टाइप का बैकग्राउंड नहीं है। तो ये जो इमेज है यही इमेज अभी मैं सेम टू सेम पीएनजी में अपलोड कर सकता हूं और अभी मैं करूंगा। आपको कुछ ही दिन में मैं आपको अपने खुद के स्टेट्स में आपके लिए खुद की अर्निंग यहाँ पे शो करूंगा। लेकिन मैं चाह रहा था, मुझे क्या है ना, मुझे इन चीजों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि बाकी जो मेरा बिजनेस है वो मेरा ये नहीं है, जो मेरा बिजनेस है वो अलग है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लेके आना चाहता हूं, इस चक्कर में ये सारी चीजें आपको बता दिया करता हूं। मैं जब आया था मैं पीएनजी पे इमेज परचेस करने के लिए आया था, लेकिन मुझे लगा जब मैं परचेस कर सकता हूं तो बहुत सारे लोग और भी परचेस करते होंगे। देन मैंने ये सोचा कि कोई परचेस कर रहा है तो बनाने वाले भी होंगे, और बनाने वाले ऑब्वियसली बात है हमारे जैसे आपके जैसे लोग हैं, तो आप भी यहाँ पे चीजें बनाइए और आप भी यहाँ पे सेल कीजिए। तो ये जो हो गया अभी मैंने आपके लिए ये दिखा दिया कि आप पीएनजी में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसे बैनर्स बनाते हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वेक्टर टेम्पलेट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दिखाई दे रहा है ये जो पीएनजी नहीं है, जो भी पीएनजी रहेंगे उसके पीछे ही आपको बॉक्सेस टाइप से दिखाई देते रहेंगे। तो मान लीजिए इस टाइप का अगर आप बना रहे हो तो ये भी चीजें सिंपल है। ये सारे कंटेंट जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये ए टू जेड आपके लिए कैनवा में मिल जाएगा, और उसके लिए आपको यहाँ पे जब आप डाउनलोड करोगे तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक फंडा आपको समझ में आ गया होगा। मेन जो चीज थी कि यहाँ पे आपको इमेजेस सेल करनी है, इमेजेस में आप चाहे वो टी शर्ट डिजाइन सर्च करो या फिर जो यहाँ पे ये खुद आपके लिए रिकमेंड कर रहे हैं इनमें से आप कुछ भी सर्च करो, अपना बना के सेल करना है। कुल मिला के फंडा ये है, आपको सिंपल सा वहां से एक अच्छी खासी डिजाइन बनानी है, वो यहाँ पे अपलोड करनी है, दैट्स इट। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है जब जब आपके डाउनलोड्स होते जाएंगे वो आपकी अर्निंग वगैरह लाइक वगैरह सारी चीजें यहाँ पे शो होंगी, और जो आपकी अर्निंग आएगी वो आपकी पेपाल में ही आपकी पूरी अर्निंग आएगी। जैसे कि आप यहाँ पे जब अपने अकाउंट में आएंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट वगैरह सारी चीजें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा आपको यहाँ पे पेपाल दिखाई दे रहा है, मैंने अपना ऑब्वियसली बात है यहाँ पे पेपाल लिंक करके रखा हुआ है, पेमेंट मेथड पेपाल सेलेक्ट किया है, और पे आउट ईमेल जो है वो मेरा पेपाल का ईमेल है यहाँ पे। तो आपका जो भी पेमेंट आएगा वो आपका पेपाल में ही आएगा। आई होप यहाँ पे सारी चीजें मैंने बता दी, और यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल का भी शायद ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। तो आई होप यहाँ पे मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। डाउट्स तो वैसे भी कुछ नहीं थे, सिर्फ आपको एक ही चीज पे कंसंट्रेट करना है कि जो चीज आप बना रहे हैं सबसे पहले आपको भी वो पसंद आनी चाहिए, और वही चीज आपकी कॉपीराइटेड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी मान लीजिए आप यहाँ पे सर्च करोगे, मान लीजिए यहाँ पे आपने सर्च किया फ्री पीएनजी इमेजेस, अब आपको ऐसी और भी बहुत सारी साइट्स मिलेंगी, जैसे यहाँ पे मान लीजिए फ्री पिक है, आपको यहाँ पे भी बहुत सारी पीएनजी इमेजेस मिल जाएगी। मान लीजिए ये है ये है, ये सारी आप फ्री में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये वाली यहाँ से डाउनलोड करके वहां पे अपलोड नहीं कर देना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग या किसी ने आपको ये भी ज्ञान दिया हो। तो भाई देखो ये जो इमेज है, मान लो मैं इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लिया करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर दिया है, और ये देखो मेरे पास इमेज ये डाउनलोड हो गई है। अब मैं चाहूं तो सेम इमेज में गूगल में सर्च करूंगा, एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए मैं इसी इमेज को जब गूगल इमेजेस में सर्च करता हूँ तो गूगल खुद आपके लिए बता देगा, जबकि ये जो वेबसाइट है, कहा जाए तो जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं इनके पास इससे कहीं ज्यादा बड़े बड़े टूल्स होते हैं जो कि ये चीज फाइंड करके बता देंगे कि ये जो आपने इमेज लगाई है वो आपको कहां से मिली है। तो अभी जो हमने इमेज डाउनलोड की है यही इमेज मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया करता हूँ, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे खुद बता देगा कि ये जो इमेजेस थी ये कौन कौन सी वेबसाइट्स पे ये चीज यही सेम इमेज मिल सकती है। जैसे कि हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसने बता दिया कि ये जो इमेज है ये फ्री पिक पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप यहाँ पे देख सकते हो सेम इमेज यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो है फ्री पिक पे ऑलरेडी अपलोडेड है, और इसी टाइप की सेम इमेजेस हो सकता है कि इस पेज के अंदर भी
कहीं ये चीज हो। तो मेरे ख्याल से ऐसी इमेजेस को आप यूज मत करना, उसका ड्रॉबैक सिर्फ यही रहेगा कि आपका जो अकाउंट है वो शायद वो बंद कर दें या कहा जाए तो सस्पेंड कर दें। तो ये बस एक गलती मत करना कि आप कहीं से भी इमेजेस उठा के डाल रहे हैं। अगर डालना भी है तो उसको पूरी तरीके से चेंज कर लो। मान लीजिए ये जो इमेज थी, जो हमने यहां से इमेज डाउनलोड की थी, इसी इमेज को आप जितने तरीके से अगर चेंज कर सकते हैं, पूरे कलर वगैरह सारी चीजें चेंज कर सकते हैं और कुछ अच्छा बना सकते हैं, तो आप ये काम कीजिए, वरना मैं तो इस चीज के लिए मना करूंगा। तो और चाहे तो आप कैनवा का यूज कीजिए। कैनवा में जितनी अच्छी क्रिएटिविटी आप बना सकते हो वो आप अपनी क्रिएटिविटी कैनवा के साथ में दिखाओ, तो मेरे ख्याल से आपको सक्सेस मिल सकती है। और अगर आपको फोटोशॉप वगैरह आता है और आप अच्छी खासी डिजाइनिंग कर लेते हैं, मान लीजिए बैनर वगैरह सारी चीजें अगर आप ऑलरेडी अच्छी तरीके से बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आई होप यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए। दोस्तों फ्रेंड फैमिली जो भी अर्निंग करना चाहते हैं, एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।